Hello guys, welcome back to a brand new video. This is a video regarding the Activa 4G. The market mein naya bike hai and it is one of the best bikes you can buy in under 60 or 65,000 jitna bhi on-road price hai iska. Hope that this video is as informative as possible. Both casually hum log review de rahe hai bike ka. So it's not totally professional in any way. So just give that title. So hope you enjoy watching this video. Agar aapke paas koi bhi man mein sawal hai, to mention that in the comment section. And in the end of the video, मैं बताने वाला हूँ कि मेरा क्या opinions है, final opinions about riding the bike. मैं bike जब भी चलाता तो अभी भी थोड़ा opinion दिया, but in the end of the video, मैं थोड़ा moral of the story type of बताएगा. So hope you enjoy watching this. Press the subscribe button and bell notification icon to never miss an update from Joe Vlogs. So we are at Manipur currently. This is a new video where we are going to ride a new Activa 4G. This is Activa 4G. जो एटल में जो 4G रहता है वो वाला नहीं. This is separate 4G. So currently actually हम लोग driving license बनाने के लिए RTO जा रहे हैं. So in the meanwhile मैं test ride भी करूँगा इसका. देखते हैं कि क्या कैसा performance देता है. मेरे पास aviator है घर पे. But this is Activa 4G. ये देखो 4G और ये भावेश का ही बाइक है. मैंने नया लिया है बाइक. ये भावेश का ही बाइक है. हाय. चलो जाते ये इसमें पूरा रेन के लिए प्रोटेक्शन दिया है. आप भी लगा सकते हो. आप चाहिए तो पूरा अम्ब्रेला भी लगा सकते हैं. वो भी मिल इसका बहुत पैसा है. मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस. सो ये देखो मेरे सामने BMW. मैं BMW को कट मार के जा रहा हूँ. ये देखो कट. सो ओवरऑल राइड इज सो कंफर्टेबल कि आपको कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में इतना कंफर्ट लेवल मिल ही नहीं सकता है. पूरा फ्रेंडली वाला बाइक है. फैमिली मतलब आप है ना, परिवार को भी लेके जा सकते हैं. आप चार पांच जन को भी एक साथ पीछे बिठा सकते हैं और साथ में आगे सामान. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक. द अदर बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक की ये नॉर्मल बाइक से एवरेज शायद से ज़्यादा देता है. इफ़ नॉट द सेम एटलीस्ट ज़्यादा देती है मेरे ख्याल से. सो लुक एट द पल्सर बींग ओवरटेकन बाय अस. ओ पल्सर देखो. मैं पल्सर को भी ओवरटेक कर सकता है यूजिंग दिस एक्टिवा. कोई फास्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. जस्ट रिमेंबर दैट. वो आगे जाके ब्रेक मारे और कुछ नहीं. बाय द वे हम लोग को एज यूजुअल पेड एनफोर्समेंट नहीं है. ये हम लोग ऐसे ही हंसते हंसते उसको ओवरटेक करेंगे. देखो आप सीरियसली इट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक नॉट अबाउट पावर. और टेक्निक एंड पावर थोड़ा तो पावर लगता है लेकिन सोके चला गया. वो कंफ्यूजन हो रहा है इधर. सो सिंस दिस इज़ अ न्यू बाइक इसका क्लच प्लेट्स बहुत स्मूथ है. आई मीन जो पावर डिलीवरी हो रहा है टायर्स के अंदर इट इज़ अमेजिंग. मेरे जो बाइक है मेरे पास जो एक्टिवा नहीं है मेरे पास एविएटर है. सो इट्स नियरली द सेम बाइक बट उसमें पावर डिलीवरी थोड़ा कम है. एज द ईयर्स पास उसमें पावर कम हो जाता है. सो लेट्स सी इफ यू कैन ओवरटेक द 220. कुछ उम्मीद नहीं है बचा लेकिन पटेली मारने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं ना. राइट. सो लेट्स गो टू द बाइक. होपफुली अभी नज़र में भी नहीं आ रही है इतना दूर हो गए हम लोग. सो जस्ट बी पेशेंट. हम लोग होपफुली ऐसा उसको ओवरटेक करने का सोच रहा हूँ मैं. वन थिंग आई नीड टू टेल यू गाइस दैट दिस बाइक इज लाइटर. वजन इसका बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एविएटर. एंड दूसरा बाइक से ऑलमोस्ट इक्वल है बट
This is more suitable for girls. There is no gear changing headache. आप बिना चेंज गियर करके ये ऐसा बाइक चला सकते हैं मक्खन जैसा. जस्ट थिंक अबाउट इट एज एन ऑटोमेटिक कार. कोई टेंशन ही नहीं है इसमें. तो 220 वाला तो गायब हो गया है. आई डोंट नो नाउ वेयर इज ही गॉन. बट हम लोग उसके लिए नहीं पहुँच सकते. इतना पिकअप है ये बाइक में. बट दिस इज न्यू बाइक सो मैं ये बाइक का वाट नहीं लगाना चाहता हूँ. इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल बाइक. नया बाइक का अगर आप भगाएंगे तो पूरा इंजन का वाट लगता है राइट. आपको तो मालूम रहेगा. सो करेंटली आई एम राइडिंग इन इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड इकोनॉमी. मैं कॉमर्स जो स्कूल में सिखाते हैं वो वाला इकोनॉमी नहीं बोल रहा हूँ. बट यहाँ से चलाना है क्या फिर रिव्यू? नहीं फिर रिव्यू खत्म होएगा यार. बीच में रिव्यू खत्म होएगा. रिव्यू क्या यार खत्म कैसा कर? तो कभी ये स्ट्रेट रोड है. स्ट्रेट रोड पे ये ना आप पीछे के सीट में पैर फोल्ड करके भी सीट कर सकते हो. जो पीछे जन जो बैठा है इतना कंफर्टेबल बाइक है कि पैर फोल्ड करके भी आराम से बैठ सकता है. कोई टेंशन ही नहीं उन लोग को. सो अभी शायद से राइडर चेंज होने वाला है. मेन चीज़ है इसमें गियर वगैरह नहीं है आराम से. तो अभी रिव्यू कोई और देने वाला है जो जिसका एक्चुअली बाइक है उसका अभी 1 मंथ से खरीदा है. 1 मंथ के थोड़ा ऊपर वो उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस देने वाला है. लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस देता है क्या बोलता है ये बाइक के बारे में. उसको हेलमेट लेना पड़ेगा टू गिव द रिव्यू. दिस इज अ हेलमेट ऑफ ऑनर. रिव्यू देना पड़ेगा. अभी चालू है? हाँ चालू है. रिकॉर्ड बंद मत कर. और तू चला रहे मैच? तू रिव्यू दे रहे हैं तेरे को बात करना पड़ेगा ऐसा. हाँ चलेगा बात करते रहे. सो मैंने ये जस्ट नया बाइक लिया है एक्टिवा. कितना महीने से लिया है? जस्ट 1 मंथ हुआ है. बट मेरा आज लाइसेंस के लिए हम लोग जाने वाले हैं. पहले तो मैं चलाता नहीं था. अभी मेरा भाई चलाता था. मेरा भाई के पास लाइसेंस है मेरे पास नहीं है. तो हम लोग अभी RTO जा रहे हैं. एवरेज कितना दे रहे हैं? एवरेज का तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा एक्टिवा के बारे में पता नहीं है. कितना टाइम में पेट्रोल भरता है और कितना चलाता है दिन में? कितना किलोमीटर? मैं तो एक्चुअली पेट्रोल नहीं भरता हूँ. मेरा भाई भराता है. नॉर्मली मैं 15-20 दिन में एक बार पेट्रोल भरवाता हूँ. 200 का है 300 का. अच्छा 300 में कुछ टाकी फुल हो जाता है ऐसे शायद मुझे पता है. और इसमें गियर वगैरह नहीं है और एकदम सिंपल है तो अच्छा है. घर वाले कोई भी मेंबर को ऐसा चलाने का रहेगा तो चला सकते हैं. पापा मम्मी जो भी है. बाइक रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है. उसमें गियर वगैरह समझता नहीं है. मतलब कितना टाइम लगा सीखने को? तो मेरे को तो ऑलरेडी साइकिल तो आता ही था तो ये तो ईजी है. साइकिल जैसा ही है. जस्ट इसमें पैडल नहीं मारना पड़ता है. ठीक है. बाइक में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम आया क्या? बाइक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. मैंने जैसे अभी 15 दिन के बाद मैंने एक सर्विस कराया था. अभी बोल रहे कि 1000 किलोमीटर्स के बाद एक बार सर्विस कराना है. अभी कितना हुआ है? 681 किलोमीटर्स चला है बाइक. तो और कुछ 6000 हुआ है. अबे 681 हुआ है वो लास्ट. 681 अच्छा. अच्छा वो लास्ट का मीटर है वो. हाँ वो नहीं गिनेगा. अच्छा उतना तो पता है. गुड आगे देखिए. अभी मेरे को हेलमेट भी खरीदना पड़ेगा. सब हेलमेट ये वो. और पैसा लगने वाला है सर्विसिंग का? मेरे को कुछ 550 लगा था ऑयल चेंजिंग का. अभी नेक्स्ट टाइम भी उतना ही लगेगा. तो लग रहा है मुझे 1 मंथ के बाद वापस जाना पड़ेगा. ये मेरे को RTO का पता नहीं है. तू बताते जा किधर है रास्ता बताते जा. थोड़ा ब्रेक मार. मैं एक्चुअली ज़्यादा एक्टिवा चलाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था. अच्छा, और बाइक का
ऑन रोड प्राइस कितना है? इसका प्राइस 55 है, ऑन रोड 63 है। 63? हाँ, मैंने भी 63 में ही खरीदा, अभी लेने जाएगा ना इसका प्राइस बढ़ गया, कुछ 66, 65 ऐसा चल रहा है। बट मैंने जस्ट लॉन्च हुआ था तब भी मैंने ले लिया। मैं एक्चुअली वो 31 मार्च ऐसा अप्रैल तक कुछ हुआ था ना, सब बाइक कुछ 50,000 30,000 में मिल रहा था। मैं एक्टिवा 3G लेने को गया था बट मुझे मिला नहीं, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर मैंने ये ले लिया नया जस्ट लॉन्च हुआ था। तो बारिश स्टार्ट हो गया। कितना रेंज, कितना हाइट की बाइक, मिनिमम हाइट कितना रिक्वायरमेंट? 5.4 वाला आदमी चला सकते हैं? आराम से चलाएगा, इसका कुछ हाइट है ही नहीं ना, मतलब 5.2 रहेगा, 5.2 या 4.8 ऐसा कुछ रहेगा तो भी चलेगा। अभी मेरा तो 5.96 है कुछ, तो मेरा हाइट ज़्यादा है। बारिश स्टार्ट हो गया है, साइड में खड़े रहते शायद। और इसमें मेंटेनेंस तो स्टार्टिंग में नया बाइक लेते या गाड़ी या कुछ भी लेते तो थोड़ा कवर वगैरह खरीदना पड़ता है। अभी मैंने ये एक टिप टॉप वाला 150 का कवर लिया है, बट और एक मुझे कवर लेना है जो रेनिंग का, बारिश के टाइम भीगना नहीं चाहिए। इसके साथ जो कवर आया था वो जस्ट कपड़े के जैसा था, जस्ट पानी अंदर जाता है मतलब, तो खरीदना पड़ेगा वो भी 250 या 300 का। हाँ, वो कार टाइप नया निकला है, वो 600 का या 800 का कुछ मिलता है, बट इधर पब्लिक शॉप में जाएगा तो 1500 में देते, ऑनलाइन लेंगे तो कुछ 400-600 में मिलता है। लेकिन शॉप में इंस्टॉल करके देंगे ना? वो तो तू यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख के कर सकता है, इजी है। सो गाइस, अभी हम लोग डिक्की खोल के दिखाने वाले हैं। ये देखो डिक्की कितना बड़ा है। इधर मेरा हेलमेट फिट होता है कि नहीं देखते? मेरा हेलमेट डाल के देख, अंदर फिट होता है क्या? ये नॉर्मल साइज हेलमेट है, मीडियम साइज। ऐसा लग रहा है सिर्फ हेलमेट ही फिट होने वाला है, लेकिन वो भी मरमर के। तो हेलमेट को इधर साइड में लॉक लगाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा उल्टा घुमा के ऐसा थोड़ा सेटिंग करो। उल्टा नहीं, वैसा नहीं, उल्टा नहीं, ऐसा ऐसा वैसा उल्टा। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि हेलमेट घुस सकता है, बट नॉट श्योर। अगर कुछ भी और सामान रहेगा तो नॉट पॉसिबल यार। और मेरे और थोड़ा बहुत तो घुस गया है, लेकिन ऐसा बंद तो नहीं होएगा। ये देखो, लुक एट इट, लुक एट इट। कुछ भी चाबी वाबी भी रहेगा तो भी बंद नहीं होएगा। अभी कल तू बोलेगा एक आदमी को सोने के अंदर थोड़ी सोएगा। अच्छा, और छोटा छोटा सामान रखने के लिए है इसमें, लैपटॉप हो जाएगा, छोटा सा गिर जाएगा लैपटॉप, मोबाइल। अच्छा, और ये फ्यूल टैंक किधर से खुलता है? तो हर बार आप पेट्रोल पंप में खोलना पड़ता है वो, एक इसमें चार्जिंग का स्लॉट भी है, नया वाला एक्टिवा में 4G है ये। चार्जिंग का स्लॉट किधर है? नहीं है क्या? है रे, इसमें चार्जिंग का स्लॉट है, ऐसा पता नहीं है लेकिन है क्या मालूम नहीं, अंदर दिख रहा नहीं है लेकिन ऐसा बोल रहे कि है। आई विल कन्फर्म इन द कमेंट सेक्शन कि है कि नहीं है। हम लोग को एक दो घंटा ढूंढना पड़ेगा, ये शायद से हाँ वही है। टूल बॉक्स है यार, चार्जर स्लॉट है। ओके, नॉट श्योर, नॉट श्योर, वी विल हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स। सो एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक्टिवा 4G एक अच्छा बाइक है, हाउस होल्ड यूजेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। इफ़ यू परचेस दिस बाइक, आई डोंट थिंक यू आर वेस्टिंग योर मनी इन एनी वे, इट लास्ट रियली लॉन्ग। मेरे पास ये बाइक काफ़ी सालों से, 6-7 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास इसके जैसा ही बाइक है सेम कंपनी का, आउट से इट लास्ट क्वाइट लॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छा है ये बाइक का, एंड क्वालिटी वेरी नाइस। देर वॉर सम पार्ट्स दैट आर गॉट रस्टेड इन माई बाइक, बट चलता है। बट हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट बाइक, यू कैन गो फॉर इट। इसके कॉम्पिटिशन में दूसरे बाइक से जैसे कि मास्ट्रो है, फिर जुपिटर है वगैरह, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दोज बाइक्स बिकॉज मैं ओन नहीं करता हूँ वो बाइक को। बट आई एम श्योर कि एक्टिवा, एविएटर ये सब बाइक्स अच्छे है। एक्टिवा एविएटर से थोड़ा हल्का बाइक है, इट इज़ ईजी टू यूज़ इवन फॉर लेडीज़। एविएटर इन द अदर हैंड इट इज़ अ बिट हैवियर। मेरे पास एविएटर है, मेरे पास जो जूना वाला मॉडल है, जो पहला निकला था ना, वो सबसे पहला वाला मॉडल। सो होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, डू गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू एंजॉय वॉचिंग, एंड
ये जो वीडियो था बहुत प्रोफेशनल वाला कुछ नहीं था, सो होप यू एंजॉयड वॉचिंग दैन, पीस आउट। एंड या वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिलता है ऐसा रिव्यू बनाने को, मतलब कंपनी के तरफ से कुछ पैसा कोई देता नहीं है, सो बेसिकली आई एम सेइंग दैट वी आर गिविंग आर ऑनेस्ट ओपिनियंस बेस्ड ऑन जो भी अभी तक जितना भी रिव्यू बना है सब ऑनेस्ट ओपिनियंस ही था, कुछ पैसा किसने दिया नहीं, इन केस यू हैव अ डाउट इन योर माइंड। सो थैंक्स ऑल लॉट फॉर वॉचिंग, पीस आउट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।